Hey guys, welcome back to my YouTube channel. Welcome back to a brand new episode. And आज हम बात करने वाले कुछ ऐसे abs exercise की जो मेरे favorite है और जो मुझे बहुत help करते हैं मेरे abs को अच्छा बनाने में. तो अगर आप लोग भी मेरी abs exercise देखना चाहते हो तो ये video को end तक के ज़रूर देखना. मैं जो बोल रहा हूँ वो ध्यान से सुनना और subscribe नहीं की हो तो subscribe कर देना. अच्छा, मैं एक चीज़ बता दूँ आप लोगों को कि मैं बहुत ज़्यादा फैंसी एब्स एक्सरसाइज नहीं बताऊँगा, बिकॉज मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे बिगनर और इंटरमीडिएट लोग हैं जिन्होंने अभी अभी चालू किया या कुछ समय पहले चालू किया, तो वो भी मुझे फॉलो करते हैं. तो मैं ऐसी एक्सरसाइज नहीं बताऊँगा कि जो बिगनर करे और दूसरे दिन क्रैम्प आ जाए और घर वाले बोले ये किसका वीडियो देख लिया था. और एडवांस जो बंदे हैं उनको बताने की ज़रूरत नहीं है. तो मेरा मोस्ट ऑफ द पर्पज़ यही रहता है कि जो बिगनर और इंटरमीडिएट है उनके लिए मैं ईजिएस्ट एंड द बेस्ट सूटेबल एक्सरसाइज बता सकूँ. तो जो भी आज मैं एक्सरसाइज बताऊँगा वो बिगनर भी कर सकते हैं, इंटरमीडिएट भी कर सकते हैं. शर्त ये है कि अगर आप बिगनर हो तो ये एक्सरसाइज हफ्ते में दो बार से ज़्यादा मत करना. अगर आप इंटरमीडिएट हो तो हफ्ते से ज़्यादा तीन बार से ज़्यादा मत करना. एडवांस हो तो आपको पता है कितनी बार करना है, वरना फिर आप किस काम के एडवांस. तो सबसे पहला वेरिएशन लेग रेजेस, हैंगिंग लेग रेजेस. हैंगिंग लेग रेजेस को आपको 90 डिग्री अप लाना है. अगर आप पूरा ऊपर भी लेके जा सकते हो तो अच्छी बात है, लेकिन मैं ये सजेस्ट करूंगा कि 90 डिग्री अप में आपको बहुत अच्छा प्रेशर आएगा. नी को 10% बेंड रखना, लेग्स को 90 डिग्री अप लाना, 10 टू 15 रेपिटेशन फॉर 3 to 4 सेट्स. सेकेंड एक्सरसाइज फ्लोर एब्स क्रंच फॉर अपर चेस्ट. आपको पैर कोई भी एक चीज़ के ऊपर रखना है, चाहे ऊपर रखो या ऐसे रखो, आपका जो पैर है वो 90 डिग्री होना चाहिए और आपका जो टारगेट है कि आपका जो नी है और ये जो एल्बो है उसको कनेक्ट करना है. इस तरह कुछ होगा नहीं, ज़बरदस्ती उठ के रोल नहीं करना है, सिर्फ क्रंच करोगे तो बस ये डायरेक्शन में आपका एल्बो जाना चाहिए कि आपकी नी की डायरेक्शन में जा रहा है. अगर आपसे नहीं हो रहा है तो आप इसको लॉक कर सकते हो ऐसे, या ऐसे ऊपर भी रख सकते हो, कोई इशू नहीं. आप भी स्ट्रेट रख सकते हो. तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट आपने देखा होगा मैं कर रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप कौन से तरीके से फ्लोर पे एब्स क्रंच कर सकते हो. हाथ सर पे रखे, हाथ पीछे से लेके आगे लिफ्ट करके, ये डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशन है जो आप ट्राई कर सकते हो, जो भी आपको कंफर्टेबल लगता है, जिसमें आपको कॉन्ट्रैक्शन अच्छा मिलता है और आपका नेक नहीं पेन होता है. देखो एब्स है ना, यहाँ पे नहीं है एब्स, यहाँ पे, इतना याद रखना. यहाँ पे करोगे तो यहाँ पे जो C3 C4 आपका सर्वाइकल इंजरी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. तो जब भी आप एब्स कर रहे हो आपका नेक है ना हमेशा स्ट्रेट रहना चाहिए. चाहे आप हाथ इधर रखिए, हाथ इधर रखिए या हाथ इधर रखिए, नेक हमेशा सीलिंग को देखता रहेगा, क्योंकि अगर आप नेक से करने जाओगे तो यहाँ सर्वाइकल इंजरी होने के हाई चांसेस है. हमेशा याद रखना एब्स इधर नहीं है, एब्स इधर है. वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्सरसाइज फॉर एब्स स्विस बॉल क्रंचेस, जो मैंने इससे पहले एक्सरसाइज बताया, अगर उसको मारने में आपको डिफिकल्टी फील हो रही है तो मेक श्योर ट्राई स्विस बॉल एब्स क्रंचेस. आपकी जो कमर है वो स्विस बॉल पे हो जाएगी, बाकी आपका जो पैर है वो 90 डिग्री हो जाएगा. ये स्विस बॉल में थोड़ी सी हवा कम है इसके लिए आपको थोड़ा वियर्ड दिख रहा होगा, बट अब जो है यही है तो मैं इसके ऊपर ही करके आपको बता रहा हूँ. इसके अंदर थोड़ी हवा भर देंगे वापस से निकल गई होगी तो नॉर्मल हो जाएगा. तो आपके जिम में जब स्विस बॉल होगा तो आप इसके ऊपर ट्राई कर सकते हैं. एक्सरसाइज नंबर 4, ये वाली जो एक्सरसाइज है मैं सजेस्ट करूँगा कि प्लीज़ बिगिनर ना करें, बिकॉज इसमें थोड़ी सी कोर की स्टेबिलिटी की ज़रूरत है. अगर आपका कोर स्टेबल नहीं है तो शायद आप गिर सकते हो, इंजर्ड हो सकते हो. तो आपको एक कोई भी बेंच पकड़ना है जिसके एज पे आपको बैठ जाना है और उसके बाद में अच्छा, इसमें गलती क्या होती है, लोग ऐसे चले जाते हैं, ऐसे नहीं जाते हैं. आपको पैर स्ट्रेट रखना है, यानी जो आपका नी है वो चेस्ट की डायरेक्शन में आएगा. सो दिस आर द 4 अमेजिंग एक्सरसाइज आई हैव बीन डूइंग फॉर एब्स. मुझे बहुत अच्छे रिजल्ट मिले आपके सामने और मैं इसे हफ्ते में 2 से 3 बार ट्रेन करता हूँ. मैंने आप लोगों को बताया अगर आप बिगिनर हो तो हफ्ते में 2 बार से ज़्यादा मत करना और लास्ट वाली एक्सरसाइज मत करना. अगर आप इंटरमीडिएट हो तो हफ्ते में 3 बार से ज़्यादा मत करना, लास्ट वाली एक्सरसाइज कर सकते हो. एडवांस हो तो फिर आपको बताने की क्या ज़रूरत है. अगर एडवांस हो और आपको नहीं पता तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग, द लिंक इन डिस्क्रिप्शन. आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं कोशिश करूँगा
ऐसे डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियो बनाने के लिए अगर आपके दिमाग में कोई टॉपिक है एक्सरसाइज से रिलेटेड, फूड से रिलेटेड, इन्फॉर्मेटिव से रिलेटेड, तो आप कमेंट करके बता सकते हो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग एंड थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग माई चैनल. नए हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो. ऑलरेडी देखते हो, सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतजार है भाई, फ्री सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन बटन दबा दो. और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए. बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ. टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ एंड योर फैमिली. जय हिंद.